المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم في الخيرات إنك سميع المجيب الدعوات وإنك قاضي الحاجات وإنك لجعلت لكل شيء قدرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء مولانا ابو القاسم محمد اللهم صل على محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين اما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين صلوات على محمد اللهم صل على करम है शहादा मासूमीन अलैहिस्सलाम का और खुसूसी सदका है शहजादी कौनैन बिनते रसूलुस सकलैन मादर हसनैन यानी जनाब फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा कि नाले ने पाक का तसद्दुक है कि कातिब तकदीर ने हमारे कासर दिल में मोहब्बत अली की भीख डाल दी है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने इस कायनात बेहिसी में हमें शऊर करबला अता किया और हमारी ज़िंदगी के वरक वरक पर या तो आले मोहम्मद की खुशी लिखी या आले मोहम्मद के गम लिखे। इसीलिए बड़े से बड़ी खुशी आ जाए फिर भी हम गुमराह नहीं होते और बड़े से बड़ा गम आ जाए फिर भी हम गुमराह नहीं होते। और दोनों दौलतें एहसान खुदाबंदी के एवज़ अल्लाह ने ये हमारे दामन में डाल दी हैं और इस आज़ादारी पर मोहब्बत अहले बैत अथार पर अगर हम अपनी पेशानी को खम करें सजदाए शुक्र के तौर पर और सजदाए शुक्र अदा करते करते ज़िंदगी तमाम हो जाए फिर भी सजदा ना तमाम रहेगा। आज तमीज नहीं है, मेरे पास वक्त बहुत कम है। बहुत तेज़ी से क्योंकि शब जुमा भी मुत्तसिल होने वाली है और इस शब जुमा में शहजादी का जिक्र हो तो फिर नूर नाला नूर है। ख़ास तरीक़े से इस शब में हदीस किसा की रिवायात है कि हदीस किसा और दुआ कुमैर यह नहीं होगा कि इसका बदल ये
मैं क्या कह रहा हूँ उस पर तवज्जो कीजिए। हदीस किसा के सिलसिले रवात अपनी जगह मुसद्दक है, दुआए कुमैल अपनी जगह है। अल्लाह ने हमें एक हाथ नहीं दिया है, दो हाथ हैं। एक हाथ में हदीस किसा रखिए, दूसरे हाथ में दुआए कुमैल। हदीस के माना अरबी में बात के हैं, किसा के माना चादर के हैं, चादर वाली बात। दुआए कुमैल, कुमैल बिन ज़ाद मौलाए कायनात की खिदमत में आए मस्जिद में, कहा मौला कुछ मुश्किलात हैं, कोई हल बता दीजिए। आपने बरजस्ता जो दुआ तालीम फरमाई उस दुआ का नाम है दुआए कुमैल। दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों अहले बैत अत्हार के घर की हैं। जो उर्दू जानते हैं उनसे अर्ज कर रहा हूँ कि वो उर्दू में जाकर दोनों का तर्जुमा पढ़ें। जो इंग्लिश जानते हैं, अंग्रेज़ी से वाकिफ हैं, वो अंग्रेज़ी में जाकर दोनों का तर्जुमा पढ़ें। दोनों में कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा सिवाय एक फ़र्क के। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है सिवाय एक फ़र्क के। दुआए कुवैल में अली ने बताया कि खुदा की मारिफत क्या है, हदीस किसा में खुदा ने बताया अहले बैत की फजीलत क्या है। एक सलावात पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। हदीस किसा ये तारुफ़े फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा है। बस तकरीर का आगाज हो रहा है। कौन बीवी, कौन फातिमा जिसकी तस्बीह के दाने गुनहगार बंदे को अल्लाह से मशवरे के काबिल बना दें उसे फातिमा कहते हैं। क्या कहा है? जिसके दरवाजे से दोनों जहान के फकीर को खैरात मिले उसे फातिमा कहते हैं। जन्नत जिसकी जागीर का नाम है उसे फातिमा कहते हैं। बेटी बाप के लिए रहमत हुआ करती है, जो रहमतुल लिल आलमीन के लिए रहमत बन जाए उसे फातिमा कहते हैं। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, जवानाने जन्नत की जन्नत जहां हो उसे फातिमा कहते हैं। अब जुमला आपकी खिदमत में हदिया कर दूं, जो काबे से ज्यादा पाक हो उसे फातिमा कहते हैं। आप क्या कहते हैं और क्या करूँ आपको? नारायण सलावत। शान का घर है, कुरान की मंजिल है जो कुरान का घर है, इस्लाम के माहौल में ईमान का घर है, मोमिन की मुनाफिक की ये पहचान का घर है। कुछ लोग मरे जाते थे इसी रंजो अलम में, इस घर का दरवाजा क्यों खुलता है मस्जिद के सहन में? मस्जिद का दरवाजा इसलिए खुलता है ताकि खुदा ये बता दे कि कौन पाक है और कौन नापाक। बस अली इब्ने अबी तालिब का दरवाजा सहने मस्जिद में खुला रहे। लोग बहस कर रहे हैं कि रसूल ने अली
मोहब्बत में अली का दरवाजा बंद नहीं किया। मैं कहता हूं सरकार इनसे कह दीजिए कि जिसका लिए जिसकी विलादत के लिए खुदा काबे में दर बना दे उसका दरवाजा मस्जिद में कौन बंद कर सकता है। कुदरत ने आवाज दी, हम बताना ये चाहते हैं फर्ज पहचानो कौन पाक है कौन न पाक, कौन पाक है कौन न पाक। जो सहने मस्जिद में नहीं आ सकता वो चादर तदहीर में क्या हो सकता है बहुत सबके जहनों में बात ना उतरी हो उतारो तो दलील भी आ जाए। काबे को किसने पाक किया, काबे को किसने पाक किया? हाँ घबराइए मत, हजरत इब्राहिम ने क्या आयत आई कुरान में, ताहिरा बेती इब्राहिम मेरे घर को पाक करो। तो जितनी इब्राहिम की ताकत थी उतना काबे को पाक किया। अब जुमला सुनिए, जो काबे को पाक करे उसे इब्राहिम कहते हैं, अल्लाह जिसे पाक कर रखे उसे फातिमा कहते हैं। मैंने कहा कि शबे जुमा है, हदीस किसा का पढ़ना और सुनना सवाब है। इमाम ज़माना फरमाते हैं जहाँ तिलावत होती है मैं खुद वहाँ शरीक रहता हूँ, और हम और गम हमारे शियों के इसके पढ़ने से दूर होते हैं। क्या कहा, अल्लाह का रसूल अल्लाह का हबीब सरकारे दो आलम रहमतुल आलमीन दरे फातिमा पर आए, आवाज दी, बेटी मैं अपने बदन में जौफ महसूस कर रहा हूं, इन्नी आजिदु फी बदनी जौफन, बेटी मैं अपने बदन में जौफ महसूस कर रहा हूं। बेटी ने क्या कहा, ओ ईजो का बिल्लाहे या अबते मिना जौफ। बाप तवज्जो रखिएगा जिस मैयार पर बात कर रहा हूं, माउंट कराएंगे आप, बाबा मैंने आपको अल्लाह की पनाह में दिया। एक बाप बेटी के दरवाजे पर आकर कहता है, बेटी मैं अपने बदन में जौफ महसूस कर रहा हूं। बेटी ने कहा मैं आपको अल्लाह की पनाह में देती हूं। कुरान उठाकर पढ़िए, आदम से लेकर ईसा तक हर नबी ने कहा कि बाप या अल्लाह मैं ज़ईफ हो गया, या अल्लाह मैं ज़ईफ हो गया अपनी पनाह में ले ले, या अल्लाह मैं ज़ईफ हो गया। आदम से लेके ईसा तक हर नबी का मिल जाएगा कुरान में, हर एक ये कह रहा है कि या अल्लाह मैं ज़ईफ हो गया, या अल्लाह मैं ज़ईफ हो गया। सरकार दरे फातिमा पर आए, बेटी में ज़ईफ हो गया, बेटी में ज़ईफ हो गया। बेटी ने कहा कि मैंने आपको अल्लाह की पनाह में लिया। रसूल ने बिला फासले कहा ए तैनी बिलकिसाई यमानी, बेटी चादर ले आ, चादर ले आ। नबी बताना यही चाहते हैं कि अल्लाह की पनाह कोई और नहीं, फातिमा की चादर का नाम है। थोड़ा करीब आ जाइए, आने वालों को परेशानियां हो रही है और करीब मेंबर सलावत पर मोहम्मद वाले। अब
शुरू कर रहा हूं हदीसे के साथ, और ये सिलसिला पूरे रिवाज के साथ मेरे पास मौजूद है कि किसने किससे रिवायत की है। आप सुनिए, एलमू, तवज्जो रखिएगा, एक एक लफ्ज दीन के आप तक पहुंचेगा। एलमू या मलाइकती सुकाना समावाती व इज्जती व जलाली इन्नी मा खलक्तु समअम मबनियतम वला अर्दम मधियतम वला कमरम मुनीरम वला शमसम मुजियतम वला फलक यदूर वला बहर यजरी वला फुलक तसरी इल्ला फी मोहब्बते हाउलाई खमसतिन लजीना हुम तहतल के साथ। जान लो ए मलाइका, समझ लो ए मलाइका, आसमान में रहने वाले फरिश्तों तुम भी सुनो, मलाइका तुम भी सुनो। क्या सुनो? मैंने चांद बनाया इनकी मोहब्बत में, सूरज बनाया इनकी मोहब्बत में, सितारे बनाए इनकी मोहब्बत में, कश्तियां चलाई इनकी मोहब्बत में, कायनात को बनाया इनकी मोहब्बत में। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ये फरिश्ते खाली बेकार बैठे हुए थे? अरे क्या सुन रहे हैं भाई, एक सोचिए, क्या फरिश्ते खाली बैठे हुए जो अल्लाह ने कहा क्या बेकार बैठे हो, यहाँ आओ, फजाइल आले मोहम्मद सुनो। फरिश्ते का एक लम्हा भी खाली नहीं होता। जो फरिश्ता हालत रुकू में है वो हालत रुकू में है, जो हालत सुजूद में है वो हालत सुजूद में है, जो हालत कयाम में है वो हालत कयाम में है। अल्लाह ने आवाज़ दी, मलाइका इधर आओ, फ़ज़ाइले आले मोहम्मद सुनो। अब हमसे एतराज़ ना करो कि तुम क्यों फ़ज़ाइल पढ़ते हो, हिम्मत है तो खुदा से कहो। एलमो या मलाइका की सुकानत इज्जती व जलाली, मुझे कसम है अपनी इज्जत की, मुझे कसम है अपने जलाल की। मैंने चांद बनाया इनकी मोहब्बत में, सूरज बनाया इनकी मोहब्बत में, सितारे बनाए इनकी मोहब्बत में, जन्नत बनाई इनकी मोहब्बत में। कुरान को उठाकर पढ़िएगा, कुरान के अंदर अल्लाह ने तकरीबन 200 जगह कसमें खाई हैं, लेकिन कहीं कसम खाई बन्नहार सूरज की कसम, कहीं खाई बल्लेल रात की कसम, कहीं कहा वह शम्स सूरज की कसम, चांद की कसम, सितारे की कसम। लेकिन जब अहले बैत अतहार का मामला आया, न सूरज की कसम खाई, न दिन की कसम, न रात की कसम, खुदा कसम खा रहा है वह इज्जती व जलाली, मुझे कसम है अपनी इज्जत की, मुझे कसम है अपने जलाल की। या अल्लाह मामला क्या है? आवाज़ें कुदरत आई कि दिन खत्म हो जाता है, रात डूब जाती है, सूरज गुरूब हो जाता है, मेरी अजमत है लाजवाब, आले मोहम्मद की इज्जत है लाजवाब, लाजवाब लाजवाब की कसम खा रहा है। या अल्लाह ये कह दे कि मैंने कायनात को इनके लिए बनाया है जो चादर के नीचे हैं। ये खमसा का लफ्ज क्यों रख रहा है? इन पांच के लिए मैंने कायनात को खल्क किया, ये कह देता जो चादर के नीचे हैं। अल्लाह आवाज देगा, कुछ होंगे जो छठे को भी दाखिल करना चाहेंगे। अच्छा, रसूल इस्लाम आए, चादर के नीचे तशरीफ ले गए, इमाम हसन आए, क्या कहा? अस्सलामु अलैके या उम्मा, इन्नी अशुम्मु इंदके रायहतन तैयबतन का अन्हा रायहतो जद्दी रसूलिल्लाह।
मादरे ग्रामी आप पर मेरा सलाम हो, मैं अपने नाना की खुशबू महसूस कर रहा हूं। कहां चादर के नीचे आराम फरमा रहे हैं, इमाम हसन तशरीफ ले गए। उसके बाद फिर इमाम हुसैन अस्सलाम अलैके या उम्मा, मौलाए कायनात बिनते रसूल भाई की खुशबू महसूस कर रहा हूं, कहां चादर के नीचे तशरीफ फरमाए। अच्छा, जिब्राइल अमीन आए, बहुत सुना होगा आपने, आज नतीजा बिल्कुल नया होगा और कुरान की आयत से होगा। जिब्राइल ने क्या पूछा, या रब्बे वमन तहतल किसा, परवरदिगार बता दे चादर के नीचे कौन है। जिब्राइल का तुम्हें नहीं मालूम है कि चादर के नीचे कौन है, कभी झूला झुलाने आते हो, कभी चक्की पीसने आते हो, कभी इनके लिए खिदमत के लिए हमेशा, आज पूछ रहा हो कि परवरदिगार बता दे चादर के नीचे कौन है, क्यों सवाल किया जिब्राइल ने। तो याद रखिए, सवाल हमेशा ला इल्मी में नहीं होता, कभी कभी सवाल का मकसद कुछ और भी होता है। अर्ज करूं कि मैंने जुमले में क्या कहा, अगर कोई सवाल करे, क्वेश्चन करे, मैं सवाल करूं किसी से, तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं जवाब से नावाकिफ हूं। जिब्राइल ने क्यों पूछा कि चादर के नीचे कौन है, अरे अरे बस यही आप तक बात पहुंचानी है। जिब्राइल ने क्यों पूछा, तो जो पहले सुना हुआ है कि जिब्राइल की आंखें खीरा कर गईं, पहचान ना सके। बरसों पहले तो इन्होंने 14 के नूर को देखा था, बेदार हैं भाई, यहीं से तो आ रही है बिस्मिल्लाह, वहां से भी बिस्मिल्लाह हो तो फिर बात कुछ और हो। अब कुरान की आयत दूंगा आपको, या रब्बे वमन तहतल किसा, फकाला जिब्राइल अलैहिस्सलाम, या रब्बे वमन तहतल किसा, परवरदिगार बता चादर के नीचे कौन है। तो हमेशा सवाल ला इल्मी में नहीं होता। कुरान जनाबे मूसा के हाथ में असा है, खुदा ने मूसा से पूछा, मा तिलका बे यमीने का या मूसा, क्या खुदा को नहीं मालूम था कि मूसा के हाथ में क्या है। अरे भाई कुछ तो बोलिए, क्या खुदा को नहीं मालूम था कि मूसा के हाथ में क्या है, मातिल का बेयमीने का या मूसा, मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है। जैसे ही खुदा ने सवाल किया, फौरन जवाब भी दिया कि जनाब मूसा ने हाज़ ही असाया अतवक्कौ अलैहा, परवरदिगार ये मेरा असा है, मैं इसको का सहारा करता हूँ, मैं इसे अपनी दुम्बिया चलाता हूँ, धूप के वक्त तंबू बनाता हूँ, इसके बहुत फजाइल है, बहुत मनाकिब है, पूरी तफसील कुरान में मौजूद है। खुदा ने ये सब तो नहीं पूछा था, हाय हाय हाय, खुदा ने तो एक छोटा सा सवाल किया था कि मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है। अब मैं नहीं बोल रहा, उलमाए मुफस्सरीन ने लिखा कि क्योंकि मूसा को असा बहुत महबूब था, तो खुदा ने यह चाहा कि आज मूसा के जबानी असा के फजाइल सुने जाए। क्या कह रहा मैं, क्या कहा मैं मुफस्सरीन ने ये लिखा कि क्योंकि खुदा मूसा को असा बहुत दोस्त रखते थे, लिहाजा खुदा ने ये चाहा कि आज मूसा अपने असा के फजाइल सुनाए। तो मूसा ने असा के फजाइल सुनाए, तो जवाब तो मिल गया ना कि मूसा को असा बहुत महबूब था इसलिए फजाइल सुनाए। जिब्राइल को मालूम था कि चादर के नीचे कौन है, मौका अच्छा है खुदा से फजाइल सुने जाए। जन्नत है तो फातिमा के घर में, रहमत है तो फातिमा के घर में, राहत है तो फातिमा के घर में, कौसर है तो फातिमा के घर में, जनाबे सय्यदा फातिमतुज़्ज़हरा के घर की क्या बात है, जहाँ पर उसूल दीन मुरत्तब होते हैं, जहाँ से कायनात के आलम पसर से हयात मिलता
होता है, जहाँ से जिंदगी की पुरपैसराहों की रहबरी होती है, जहाँ से मंजिलें शरीयतों तरीकतों हकीकतों मारिफत की इंतहा होती है। फातिमा राजिया मर्जिया शाकिरा शाफिया बिन्त खैरुल वरा नूरे शमसुल जुहा अजबत की मालिक है तो फातिमा जहरा, रहमत की वारिस है तो फातिमा जहरा, करम का बहरे बेकरा है तो फातिमा जहरा, इस्मत का दुर्रे निहा है तो फातिमा जहरा, अली के घर की जिया है तो फातिमा जहरा, मादरे मेहरबान है तो फातिमा जहरा, औलिया फातिमा के औलियाई फातिमा की, औसिया फातिमा के औसियाई फातिमा की, मुस्तफ़ा फातिमा का मुस्तफ़ाई फातिमा की, मुर्तज़ा फातिमा का मुर्तज़ाई फातिमा की, खुदा फातिमा का खुदाई फातिमा। رسول خدا نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا، چاہے وہ آدم ہوں یا آدم کے علاوہ کوئی اور، اس لیے کہ رسول نے آدم کو دیکھا، آدم کے علم کو دیکھا، نوح کو دیکھا، نوح کے تقوی کو دیکھا، ابراہیم کو دیکھا، ابراہیم کی فلت کو دیکھا، موسیٰ کو دیکھا، موسیٰ کے زہد کو دیکھا، عیسیٰ کو دیکھا، عیسیٰ کی کمالات کو دیکھا، فاطمہ زہرا کو دیکھا، علم کو دیکھا، تقوی کو دیکھا، طہارت کو دیکھا، شجاعت کو دیکھا، زینت کو دیکھا، طینت کو دیکھا، کمالات فاطمہ زہرا کے بلند و بالا نظر آئے، علی کو دیکھا، علی کے علم کو دیکھا، تقوی کو دیکھا، شجاعت کو دیکھا، حلم کو دیکھا، کمالات سے کمالات کو ملایا، کمالات سے کمالات مل گئے، آواز دی کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ بے شک علی بادے دربار میں لوگوں نے کہا، درباری جو علماء تھے، کہ یہ بتائیے مریم افضل ہیں یا فاطمہ افضل ہیں، مریم افضل ہیں یا، اب ظاہر ہے کہ نمک کا بھی کچھ حق ادا کرنا ہوتا ہے، تو جہنم کا راستہ کھولتے ہوئے معاذ اللہ عظمت سیدہ کو کم کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ مریم افضل ہیں، بادشاہ نے کہا کہ بھائی دلیل کیا ہے، کہا دلیل یہ ہے کہ فاطمہ کے لیے لفظ طاہرہ آیا ہے قرآن میں، یا مریم ان اللہ اصطفا کے طاہرہ، اے مریم ہم نے تم کو چن لیا اور پاک رکھا، پاک کیا، ایک لفظ آیا ہے طہارہ کے، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ 19واں سورہ قرآن کا سورہ مریم ان کی شان میں نازل ہوا ہے،
बिंद रसूल के लिए कोई सूरा कुरान में नहीं है। अब सब खुश हो गए, मगर एक था जो खड़ा हो गया। अली वाला हक बात पर खामोश रह ही नहीं सकता, खड़ा हो गया। उसने कहा कि क्या गलत बात कर रहा है, क्यों गुमराही फैला रहा है, कहां फातिमा कहां मरियम, जो आसमान और जमीन को निस्बत है वो मरियम और फातिमा में फर्क है। क्या दलील क्या है? क्या इसने दलील दी है अभी कि कुरान का एक लफ्ज आया है ताहिरा के जनाब मरियम के लिए, तो मेरी शहजादी के लिए दो लफ्ज आए हैं, यो ताहिरा कुम ततहीरा। लोग ये कहते हैं कि जो आयत आई है मरकज तथीर बनकर इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्ज़ा अहलल बैत व यतहिरकुम तथीरा, जब से ये आयत आई है उस वक्त से ठीक है पाक मान सकते हैं, लेकिन उससे पहले और फिर दलील के तौर पर ये आयत पेश की गई कि कुरान में आया है अकीमुस्सलात, जब से नमाज का हुक्म आया तब से नमाज, जब से रोजे का हुक्म आया तब से रोजा, जब से हज का हुक्म आया उस वक्त से हज वाजिब। लिहाजा आयत तथीर भी जब से आई है, जब से तहारत का उनके ऐलान हुआ है उससे पहले क्या? तो मुस्कुराकर जवाब दिया, इसका मतलब तो यह है कि अल्लाह भी कुल हो वल्लाहो आहद के आने से पहले आहद नहीं था। कहां पे पहली दलील? पहली बात तो उसकी दलील मेरी यह है कि इसने कहा कि एक लफ्ज आया है मगर मेरी शहजादी के लिए दो लफ्ज आए हैं, यो ताहिरा कुम तथीरा। तवज्जो रखिएगा जहां तक आवाज जा रही है। दूसरी दलील इसकी यह है कि सूरह मरियम कुरान में मौजूद है एक सूरह, अगर मरियम के लिए एक सूरह आया है तो मेरी शहजादी के लिए दो सूरह आए, एक सूरह हल अता दूसरा सूरह कौसर। और अगर यकीन ना आए तो तीसरी दलील सुन ले, मरियम अफजल है या फातिमा अफजल है? मरियम का एक बेटा मासूम। तो बात तो पहुंचानी चाहिए, मरियम का एक बेटा मासूम, फातिमा की पूरी नस्ल मासूम। और अगर अब भी यकीन न आया हो कि दोनों में से कौन अफजल है तो इस मसाले को छोड़ दे उस वक्त के लिए जब मरियम का भी फर्जंद आएगा और फातिमा का भी लाल आएगा, मरियम का बेटा नमाज पढ़ेगा, फातिमा का बेटा नमाज पढ़ाएगा, तो मरियम के बेटे से पूछना कि ये बता दो तुम्हारी माँ अफजल है या फातिमा अफजल है। मरियम कहा, फातिमा कहा? अल्लामा इकबाल कहते हैं, शेख मसीह अल्लामा इकबाल कहते हैं, तमाम मिल्लत इस्लामिया के लिए मेरी तकरीर है, मरियम अज यक निस्बत ईसा अजीज, मरियम अज यक निस्बत ईसा अजीज, अज से निस्बत हजरत जहरा अजीज।
फजीलत जनाब ईसा से है, एक फजीलत है जनाब मरियम के पास, उससे नस्बत हजरत जहरा अजीज। लेकिन फातिमा जहरा के पास तीन फजीलतें हैं, खातिमुन नबी की बेटी हैं, साकिये कौसर की जोजा हैं, जवानान जन्नत की माँ है। नहीं अशार पढ़ दूं अल्लाह में अकबर के, मरियम अस अजियत नस्बत ईसा अजीज, अस से नस्बत हजरत जहरा अजीज, तीन नस्बतें हैं, तीन नूर चश्मे रहमतन लिल आलमीन, नूर चश्मे रहमतन लिल आलमीन और इमाम अव्वलीन व आखिरीन का फातिमा जो है वो रहमतुल लिल आलमीन की बेटी है, और वो कायनात के लिए जो रहमत है वो अव्वलीन और आखिरीन का इमाम है। तीन नस्बत है, ये पहली नस्बत। तो फिर कहते हैं अल्लामा इकबाल बानुए आ, बानुए आ का वज़्म शेर है अल्लामा इकबाल ने, बानुए आ ताजदार हलता, क्या सुना, बानुए आ ताजदार हलता मुर्तजा मुश्किल कुशा शेर खुदा। बानुए आ वो किसकी जोजा है जिसके सर पर हल अता का ताज है, वो मुर्तजा है मुश्किल कुशा है शेर खुदा है। मुर्तजा अल्लामा इकबाल का एक एक लफ्ज सोने के हुरूफ से लिखे जाने के काबिल है, वजाहत नहीं करूंगा। मुर्तजा है मुश्किल कुशा है शेर खुदा है। मुर्तजा किसे कहते हैं, जिससे अल्लाह राजी हो। अल्लामा इकबाल ने बहुत दूर तक फैसला कर दिया कि मुर्तजा की सोचा है, मुर्तजा कौन, जिसके पास मर्जी परवरदिगार है, वो उसकी सोचा है। सीरते फर्जंद हा अज उम्महार, सीरते फर्जंद हा अज उम्महार जोहरे सिद्क व सफा अज उम्महार। अजीब शहर है, बस आखिरी मराहल तक आ गया। क्या कहा कि फर्जंदों की बेटों की औलाद की सीरत का पता उनकी मां से चलता है। सिद्क और सफा अगर औलाद में देखनी हो तो मां को देखो, जैसी माँ होगी वैसी औलाद होगी। हाय हाय खामोश हो गए आप, मैं क्या कह रहा हूँ, अल्लामा इकबाल कह रहे हैं, अल्लामा इकबाल कह रहे हैं कि जैसी माँ होगी वैसी औलाद होगी। माँ अगर जिंदा है तो बेटा यजीद है, माँ अगर फातिमा है तो बेटा हुसैन। जैसी माँ होगी वैसी औलाद। बस समेट दिया मैंने बयान को,
इस मजलिस की बरकत, इस मजलिस की अजमत के वसीले से हम दुआ करते हैं। परवरदिगारा मोहतरम जनाब ताहिर अमीन साहब की वालिदा को शिफाए कामिला और आजिल आता फरमाए। हॉस्पिटल में एडमिट हैं, मेरे माबूद खादिमे इमाम हुसैन हैं, खादिमे आजादारान फर्जंद फातिमा हैं। और ये भी याद रखिए उनकी वालदा और जहां जहां जो बीमार हैं सबको शिफाए कामिला और आजिल आता है। इस हुसैनिया और मस्जिद के लिए भी आप तमाम हजरात से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, आपने मेरी एक रिक्वेस्ट को कबूल किया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने पानी जो पीने के बाद रह जाता था वो आपने नहीं छोड़ा, बहुत मैं हाथ जोड़ के आपको आपके लिए शुक्रगुजार हूँ। इसलिए कि ये पानी की बड़ी कदर कीजिए, बहुत इस पानी की अहमियत है, अजमत है। दूसरी जो रिक्वेस्ट और गुजारिश के अल्हम्दुलिल्लाह इदारा मारिफ़ इस्लामी खिदमत आप लोगों के लिए अंजाम दे रहा है, आगे और ज़्यादा काम है, लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ताबून कीजिए। और जाहिर है जैसा पैसा होगा उसी काम में आएगा, हराम पैसा कभी हलाल में लग नहीं सकता, हलाल और हर हलाल पैसा हराम काम में नहीं जाएगा। यकीन जानिएगा जो कुछ कमा रहे हैं यही खर्च करके जाइए, वरना आंखें बंद होने के बाद या जन्नत में राह खुदा और हुसैन में देकर जाइए ताकि जन्नत में महल बन जाए, जन्नत में कसर बन जाए। बस हुसैन फातिमा का लाल है, जैसी माँ होती है वैसी औलाद होती है। मैंने समेट दिया अपने बयान को। फातिमा जहरा का ने दो शहजादों की परवरिश की, दो शहजादों, एक मदनी शहजादा और एक करबलाई शहजादा। मदनी शहजादा इमाम हसन मुश्तबा, करबलाई शहजादा हुसैन शहीद करबला। मदनी शहजादे को और करबलाई शहजादे को बड़ी मेहनतों से पाला था फातिमा ने, चक्कियां पीस पीस कर पाला था। हाँ, आप मुतवज्जे हो रहे हैं, शबे नो मुहर्रम लग चुकी है, हुसैन दो दिन के मेहमान और हैं, आप बहुत इंतजार करते हैं ना कि मुहर्रम आएगा मुहर्रम आएगा मुहर्रम आएगा। कितने ऐसे थे जो गुज़श्ता साल आपके साथ फर्श-ए-अज़ा पर बैठे होंगे, आज फर्श-ए-अज़ा पर नहीं है, लिहाजा रोइए और पुरसा दीजिए माँ को हुसैन का। और खास जो पुरसा देना है तो उस माँ को देख देना है जिस माँ की ये तमन्ना रह गई कि मेरा बेटा अली अकबर जब 18 साल का होगा तो उसे दूल्हा बनाऊंगी। चिराग गुल हो गया है, चिराग तकरीबन बंद है, ताकि आपको रोने में शर्म महसूस ना हो। जवान का गम बहुत बड़ा गम होता है, खुदा आपके जवानों को महफूज रखे। अली अकबर शबीह पैगंबर थे, मदीने की औरतें देखने के लिए आती थीं जनाब अली अकबर को, इतने खूबसूरत थे। जनाब ज़ैनब दामन में छुपा लेती थी कि कहीं किसी की नजर न लग जाए। सुबह के वक्त विलादत हुई है जनाब अली अकबर की, जब इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं
तो इमाम हुसैन ने जो भी मुबारकबाद के लिए आया उसे कुछ ना कुछ दिया, दिरहम दिए, दीनार दिए, अशरफियां दी, अपनी आबा दे दी, असा दिया, नालें दी। जब सूरज गुरूब होने लगा तो जनाब जैनब आई भैया हुसैन के घर, आवाज दी, भैया हुसैन मैंने सुना है कि आपको अल्लाह ने बेटा दिया है। कहाँ बहन जैनब, अल्लाह ने अली अकबर की मुझे अता किया है। इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आ गए, आवाज दी, बहन जैनब अब आई हो जब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। ये कहा और अली अकबर को उठाया, जैनब की गोद में दे दिया, आवाज दी, जैनब आज से अली अकबर तुम्हारे सुपुत्र। मैंने कहा क्या साहिबान औलाद हैं। अली अकबर की जब शोहरत हुई तो एक शख्स, एक ज़ईफ शख्स आया, एक शख्स आया मौला के पास, कहा मौला मैंने सुना है कि खुदावंद आलम ने आपको बेटा अता किया है। कहा खुदा ने मुझे बेटा दिया है। कहा मौला आप दुआ फरमा दें खुदा मुझे भी ऐसा ही एक बेटा अता फरमा दे। इमाम ने फरमाया एक बात बता कि मैंने दुआ कर दी और खुदा ने तुझे बेटा अता कर दिया, अगर वो जवान होकर किसी सहरा में जा रहा हो और कांटा उसके पैर में लग जाए, तड़प गया, कहा मौला उसके पैर में कांटा ना लगे, मेरी आंख में कांटा लग जाए। इमाम ने फरमाया बस उससे बर्दाश्त ना हुआ। अजरकुम अल्लाह, जब काफिला चला है मदीने से, जनाब जैनब जगह जगह कहती थी मेरे लाल अली अकबर साए में आ जाओ, धूप बहुत तेज़ है। बड़े नाजो नियाज से अली अकबर की परवरिश हुई है। करबला में पहुँचे हैं तो 18वां साल लग चुका था। उम्मे लैला को ये तमन्ना थी और ये उम्मे लैला ने कहा था, मन्नत की थी कि मेरा लाल मैं उसकी शादी रचाऊंगी मैं अपने। अच्छा हर माँ को तमन्ना होती है जब बेटा जवान होता है कि मैं अपने बेटे को दूल्हा बनाऊं, उसके सर पर सेहरा दे दूं। जब शबे आशूर आई है, शबे आशूर, तो अली अकबर आए जनाबे उम्मे लैला के पास, कहा मादरे ग्रामी एक बात सवाल का जवाब दे दीजिए। कहा पूछ बेटा। कहा ये बता दीजिए कि आप मर्तबे में अफजल हैं या दादी फातिमा अफजल हैं। कहा बेटा तूने क्या सवाल कर लिया, कहाँ फातिमा कहाँ मैं। बताली अकबर ने कहा अम्मा फातिमा के लाल पर अपने लाल को कुर्बान कर दीजिए। मैं हाथों को जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ, मेरे पढ़ने में कहीं कमी रह जाए तो आप रोने में कमी ना कीजिए। आइए पुरसा ले लीजिए। आए जनाब उम्मे लैला ने कहा मेरे लाल कुछ देर के लिए मेरे जानों पर लेट जाओ। अली अकबर माँ के जानों पर लेट गए, आंख लग गई, चिराग उम्मे लैला ने करीब किया, अली अकबर के चेहरे को देखना शुरू किया। जब आंख खुली तो आवाज दी, अम्मा आपको बहुत तकलीफ हुई होगी ना। कहा मेरे लाल कल न ये चेहरा होगा न ये खैमा होगा। मेरे लाल कल न ये खैमा होगा न ये चेहरा होगा, मेरा दिल चाहता है कि दिल भर कर मैं तेरी तुझे देख लूं। हाय मेरा लाल रात गुजर रही है, नहीं मालूम किस तरह से फूफी अम्मा के पास आए कि जिंदगी भर शहजादी ने परवरिश की। एक मरतबा शहजादी से रुखसत हुए, रुखसत होने के बाद जब अजान सुबह का वक्त करीब आया तो हुसैन के करीब आए, बाबा खुदा हाफिज का मेरे लाल आखिरी अजान लहजाए मोहम्मद में सुना।
आखिरी अजान लहजाए मोहम्मद में सुना दो। अली अकबर शहर में आए, आजान की अल्लाहु अकबर। बीवियों में कोहराम मच गया। उम्मे लेला सहने खान खैमा में आई, अपने बालों को बिखराया, हाथों को उठाया, आवाज दी, परवरदिगारा इस आवाज को महफूज रख ले। हाय मेरा लाल अली अकबर। अजरकुमल अल्लाह। हाँ, हमीद बिन मुस्लिम कहता है कि अली अकबर जब रुखसत होना चाहते थे, बस रुखसती पढ़ रहा हूँ और शहादत तक आ जाऊँगा। कहा कि जब अली अकबर रुखसत होना चाहते थे तो इमाम हुसैन के कान में आहिस्ता से कुछ कहा। जैसे ही आहिस्ता से कुछ कहा, हुसैन गश खा गए। जब गश से कुछ इफाका हुआ तो जनाब जैनब ने पूछा, भैया हुसैन अली अकबर ने क्या कहा था? कहा, बहन जैनब दस्तूरे दुनिया ये है, हाय दस्तूरे दुनिया ये है कि ज़ईफ बाप जवान बेटे से वसीयत करता है। रो लीजिए और जिसकी आंख में आंसू ना आए वो अपने सर को झुका ले। बस मसाई पढ़ रहा हूं। ज़ईफ बाप जवान बेटे को वसीयत करता है, लेकिन कर्बला में तारे उलट गए। जवान बेटा ज़ईफ बाप को वसीयत कर रहा है, बाबा मेरी शहादत के बाद मेरी माँ का ख्याल रखना, मेरी माँ सैदा ले रही है। मेरे लाल, मेरा दिल चाहता है कि तुम्हारे दस्तार बांधू, नाना का मामा बांधू। अली अकबर दो जानू होकर जमीन पर बैठे, हुसैन ने अमामे का कपड़ा लिया। बस मैं इधर देखिएगा, हुसैन ने एक मर्तबा अली अकबर के सर का कपड़ा रखा, आवाज दी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अमामा बांधने के बाद तैतुल हनक निकाल दिया। ये है, हाँ हाँ अजीजो, एक मर्तबा एक हमीद बिन मुस्लिम कहता है कि मैंने देखा जब अली अकबर निकलना चाहते थे, खैमे से निकलना चाहते थे, तो कभी खैमे का पर्दा उठता था, कभी खैमे का पर्दा गिर जाता था, कभी खैमे का पर्दा उठता था, कभी खैमे का पर्दा गिर जाता था। वो कहता है मैंने देखा कभी ज़ैनब लिपट जाती थी, कभी उम्मे लैला लिपट जाती थी, और एक मर्तबा जब मेरे खैमे पर आए तो एक 4 साल की बच्ची आहिस्ता आहिस्ता जाना। अली अकबर मक्तल को चले, किसी के आने की आहट हुई, आप साहिबान औलाद हैं, हुसैन का जुमला महसूस कीजिएगा। एक मर्तबा अली अकबर ने मुड़कर देखा, क्या देखा? ज़ईफ बाप कमर को थामे हुए आए मेरे लाल। अली अकबर मक्तल में आए, मक्तल में 3 दिन का भूखा प्यासा, 3 दिन का भूखा प्यासा। हुसैन ने उम्मे लैला से कहा, और उम्मे लैला बेटे के हक में दुआ करो, माँ की दुआ जल्दी कबूल होती है, नामी गिरामी पहलवान आया है। एक मर्तबा उम्मे लैला ने दुआ की, ए मेरे महबूब, ए यूसुफ को याकूब से मिलाने वाले, मेरे अली अकबर को मुझसे मिला। अली अकबर वापस आए, बदन जख्मी है, खून जारी है, आवाज़ी, बाबा एक घूंट पानी का मिल जाए। मैं इन जालिमों को बताऊं कि जंग कैसे होती है। हुसैन ने आवाज़ी, मेरे लाल अपनी जबान मेरे जहन में दे दो।
अली अकबर ने अपनी जबान हुसैन के दहन में दी लेकिन फौरन बाहर निकाल ली, आवाज दी, बाबा आपकी जबान में तो मुझसे ज्यादा कांटे। अली अकबर के हाथ को हटाना चाहा, पूछा मेरे लाल कोई वसीयत है? कहा हाँ बाबा, हाँ बाबा, एक बार अपनी बीमार बहन सुगरा को देखना चाहता है। मैं जब मदीने से चला था तो सुगरा से वादा करके आया था, बहन सुगरा मैं तुझे उस जगह देखो जहां तुम आखिरी मर्तबा सुगरा से रुखसत हुए थे। क्या देखा? सुगरा अपना रुखसत नक्शे कदम अली अकबर पर। ए भैया अली अकबर, अरे जाकर भूल गए शादी रचाली होगी। मातम करते रहिए। लेला के जवान लाल का माता में मातम करते रहिए। हुसैन ने आहिस्ता से अली अकबर के सीने से हाथ को हटाया। खुदा किसी ज़ईफ़ बाप को जवान का ये मंजर न दिखाए जो हुसैन ने अपने जवान का देखा। क्या देखा? कि नेज़े की अनी अली अकबर के कलेजे में। हुसैन जैसा साबिर एक मरतबा आस्तीन को उल्टा, हाय 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 हाय, आस्तीन को उल्टा, दो जानू होकर जमीन कर्बला पर बैठे, आसमान का रुख किया, आवाज दी, नाना रसूल खुदा दादा इब्राहिम को लेकर आइए, मेरे हाथ कांप नहीं रहे, मेरे आंखों पर पट्टी नहीं बांधी है। ये कहा, आहिस्ता से अली अकबर के सीने की पर्ची की अनी को हिलाया। अजीजों, पर्ची की अनी का हिलना था, अली अकबर का कलेजा हिला, अली अकबर का कलेजा हिलना था, अली अकबर का बदल लरजने लगा, अली अकबर का बदल लरजना था, जमीन कर्बला पर जलजला आ गया, जमीन कर्बला को जलजला आ रहा था, खैमे का पर्दा उठा, एक बहन निकली, भैया सैनब आ रही है, हुसैन ने कहा सैनब वापस चली जा, मैं जब दारू पिया अली अकबर का